आज ही के दिन साल 1847 में एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। प्रख्यात समाज सेवी, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। इस महत्वपूर्ण एनी बेसेंट को बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने के लिए अधिक याद किया जाता है। आज ही के दिन साल 1854 में भारत में डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। इस डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का सिर और भारत बना होता था। इस डाक टिकट की कीमत आधा आना यानी 1/32 रुपये थी। आज ही के दिन साल 1919 में अंग्रेज सरकार ने हंटर समिति की स्थापना की। हंटर समिति का गठन जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की जाँच करना था। चूँकि ये अंग्रेज सरकार द्वारा गठित समिति थी तो इसके निष्पक्ष होने की कल्पना नहीं की जा सकती थी, और हुआ भी ऐसा ही। इस समिति की रिपोर्ट को कांग्रेस ने जलियांवाला बाग कांड की निर्लज लीपापोती की संज्ञा दी। जनरल डायर द्वारा की गई गोलीबारी में लगभग 1000 निहत्थे और निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज ही के दिन साल 1949 में पड़ोसी देश चीन में माओ त्से-तुंग ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। आज ही के दिन साल 1978 में भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष निर्धारित की गई। जहां भारत के गौरवशाली इतिहास में कहीं कहीं बाल विवाह के उदाहरण मिलते थे, वहीं इस कानून के बाद आज कुछ एक अपवादों को छोड़कर बाल विवाह की कुप्रथा विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गयी है।